अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मैं तमाम ब्रदरान इस्लाम को और गुलबर्गा की तमाम आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके तमाम दुआओं को, आपके नमाजों को, आपके ज़कात को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि लास्ट ईयर रमजान के टाइम पे थोड़े लोगों को मुश्किलात हो रही थी बाजार में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने जैसे कि लास्ट टाइम वादा किया था किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो वादा निभाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं जानता हूं किसी को भी तकलीफ नहीं हुई है, बाजार में ले लीजिए, किसी भी बिजनेसमैन को ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दौरा किया है, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ नहीं हुई है। और जैसे कि हमदुल इस्लाम साहब के दौर में सुकून से लोग ईद उल फितर को मनाते थे, इंशाल्लाह उसी तरह इस बार भी ईद उल फितर को तमाम ईदगाहों में मनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैडम और मैंने और तमाम ऑफिशियल्स और तमाम हमारे लीडर्स ने विजिट किया था ईदगाह के, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी पूरा अरेंजमेंट हुआ है, नमाज का अरेंजमेंट हुआ है, पानी का अरेंजमेंट हुआ है, साफ सफाई का भी अरेंजमेंट हुआ है। तो फिर से मैं मेरी आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए, और तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी, हर जगह के व्यूअर्स को भी मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।